शुरू करते हो, जवाब के दलाल पेश करने शुरू कर दे रहे। आज अगर ये कुछ भी तुमने किया तो उस वक्त ये चीज़ें काम नहीं आएंगी जो बातिल के दलाल तुम गलत काम के की तायीद में जवाब में जुम पेश करते हो, ये नहीं हो। क्या सूरत फिर होगी? अजीब चीज़ है जो कुरान बताता है कि वो नहीं है कि किसी दूसरे का लिखा हुआ होगा, कोई दूसरा पढ़ के सुनाएगा, वहाँ से कोई सजा कोई दे। कह लेंगे ये कुछ नहीं, तुम खुद अपने खिलाफ वहाँ ये सब कुछ करोगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। बड़ी अहम चीज़ है ये इंसान के अमाल और उनके सजा के मुतल्लिक। वो जो मैं कहा करता हूँ ना कि सेंखिया खाने वाला जो है उसकी सजा के लिए किसी सिपाही की, थाने की, अदालत की, जज की, किसी जेल खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसकी हिलाकत उसके अंदर छुपी हुई होती है, मुजमर होती है उसके अंदर। कुरान कहता है कि ये इंसान खुद अपने खिलाफ शहादत होगा, बसीरत होगा, अपने खिलाफ गवाही देगा, यानी खुद इंसान अपने खिलाफ। तो गोया ऐसा अंदाज है कुरान का आमाल के मुतल्लिक कि ये जो इंसान इस किस्म के दलाइल की रूह से अपने आप को खुद फरेबी में मुबतला करता है या दूसरे को धोखा देता है, इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी, क़यामत में भी नहीं रहेगी। और जब सही माशरा कायम होगा कुरान के मुताबिक, उसमें भी इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। अव्वल तो उस माशरा के मोमिन अफराद जो हैं वो ऐसा करेंगे ही नहीं, वो ना अपने आप को फरेब देंगे ना दूसरों को फरेब देंगे। और अगर कहीं कोई ऐसे होंगे भी तो माशरे में कानून का, इंसाफ का निज़ाम इस कदर परफेक्ट होगा कि इस किस्म के जो बातिल के दलाइल हैं वहाँ वो काम ही नहीं दे सकेंगे, कार फरमाई नहीं हो सकेंगे। कुरान ने दूसरे मुकाम पे आमाल नामे के मुतल्लिक जो कहा है, बड़ा ही हकीकत कुशा इबरत आमोज, सूरह बनी इसराइल 17वीं सूरत है, ठीक है जी, 17:13-14 आयात 13-14। वा कुल्ल इंसान अलजम ना हो तायरा हु फी उनक ही। बात समझाने के लिए क्या है, हर इंसान का आमाल नामा उसके गर्दन में लटका हुआ है। अब तो कागजात को, दस्तावेजात को महफूज रखने के लिए और हजार इंतजाम निकला है, अब भी लंबा कागज़ होता है उसको यूं लपेट लेते हैं। और अब तो वो सूरत नहीं होती, ये दस्त आवेज़ कहते इसलिए है कि वो लिपटे हुए में तागा बांध के या रस्सी बांध के ना, तो उसको यहाँ बांध के लटका लेते थे कि कहीं गुम ना हो जाए। दस्त आवेज़ हाथ के साथ लटकाया हुआ, उसको डॉक्यूमेंट का तर्जमा ही दस्तावेज इसलिए हो गया, वो लपेट के लटकाया जाता था। वो टीन की कुछ नलकियाँ सी बनी हुई होती थी, बहुत ज़्यादा कीमती कागजात होते थे तो उनके अंदर रखे जाते थे। मेरे अपने बचपन में हमारे घर में ये थे सारे, ये अंदाज था, महफूज रखने की कोई और सूरत नहीं थी। बहरहाल वो लपेटा हुआ होता था, उसको लटकाया हुआ होता था। कहा कि ये हर शख्स का अमाल नामा उसकी गर्दन में लटका हुआ होता है। वह नुखरे जो लहू यौमल क़यामत किताबन यल काहो मंशूरा। बस इतना ही होगा कि आज वो लिपटा हुआ है, ज़ुहूर नताज के वक्त उसको यूँ खोल दिया जाएगा। क्या खूबसूरत अंदाज है, उसी के गर्दन में लिपटा हुआ बस खोल दिया जाएगा, यानी वो आमाल के नताज के ज़ुहूर की जो बात है उसको यूँ अंदाज किया कि इस वक्त वो लिपटा हुआ है इसलिए इसकी निगाहों से वो छुपा हुआ है, यूँ खोल दिया जाएगा। और खोलने के बाद इसी से कहा जाएगा इकरा किताबक, पढ़ अपना अमाल नामा खुद। क्या बात है सर, खुद पढ़, कोई दूसरा नहीं कि वो चार शीट दे के वो पढ़ के सुनाए, अपना अमाल नामा खुद पढ़। कफा बेनफ्सकल यौमा अलैकल अलैका हसीब। और इसके बाद
तुम्हारे खिलाफ किसी दावेदार को, किसी गवाह को, किसी शाहद को लाने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने खिलाफ गवाहियां दोगे। इसके बाद काफ़ी है हिसाब करने के लिए, तुम खुद काफ़ी हो अपने खिलाफ हिसाब करने के लिए, अलैका है। बजाय इसके कि तुम जस्टिफाई करो अपने इन अमाल को, यानी तुम खुद अपने खिलाफ शहादत दोगे, खिलाफ अपने मुद्दई बन के खड़े हो जाओगे, कहीं और किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। कितना खूबसूरत अंदाज़ा ये बताने का कि ये सारा कुछ जो कुछ भी है इंसान के अपने अंदर की चीज़ है। ये निज़ाम अदल जो बाहर माशरत का होता है उसमें बाहर के सारे होते हैं, इसीलिए कदम कदम के पर उसमें इसका इम्कान होता है कि गलत फैसला हो जाए, बेगुनाह जो है उसको भी सज़ा मिल जाए, गुनाहगार भी छूट जाए। ये बाहर के होते हैं ना सारे, गिरफ्तार करने वाला, चालान करने वाला, गवाह, मुनसिफ, ये सारे। और अगर ये चीज़ इंसान के अपने अंदर की हो तो इस चीज़ की फिर गुंजाइश ही नहीं होती। तो ये चीज़ के अमालनामा हर एक का उसकी गर्दन में दस्तावेज़ की तरह लटका हुआ होता है। आज वो गोल है, छुपा हुआ है, उस वक्त खोल के सामने लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि तुम खुद पढ़ो और फिर अपने खिलाफ आप गवाही दो। ये है जो अंदाज़ कुरान ने अख्तियार किया है। और फिर अगली बात जो ये है ना कि जितनी चीज़ें वो अगर क़यामत या यौम हिसाब जिसे कहते हैं उसकी कहता है, इस दुनिया में भी जब वो माशरा कुरान के मुताबिक कायम होता है उसमें यही कैफियत हो जाती है। हमारे यहाँ की इस जैसी भी तारीख हमारे यहाँ की है उसमें बाज़ वाक़ियात चमकते हुए भी नज़र आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले खिलाफत राशिदा के वाक़ियात हैं कि मुजरम ने किसी ऐसी जगह कोई किसी तरह से जुर्म सरजद हो गया, गुनाह सरजद हो गया जहाँ कोई देखने वाला नहीं था, वो आज खुद आ गया बाब खिलाफत में और आके कहा कि मुझसे ये जुर्म सरजद हो गया, मुझे इसकी सजा दीजिए। कहा जाता है कि ये मुकदमे की रूह से बहरहाल जरूरी था कि कोई गवाह हो, कोई शाहिद हो या इस किस्म की चीज भी हो, तो वो तो नहीं है। उसने कहा कि मैं खुद अपने खिलाफ गवाह हूँ, मैं आ रहा हूँ इसके लिए, मालूम है कि इसकी सजा मौत हो सकती है। वो बार बार इसकी तहकीद कर रहा है, इसरार कर रहा है इसके ऊपर कि मुझे सजा दीजिए। वही बात नहीं जो कुरान कह रहा है कि अपना अमालनामा खुद पढ़, अपने खिलाफ खुद गवाही दे, अपना मुहासबा आप कर। माशरा अगर इस किस्म का कुरानी हो उसमें अजीज़ान मन यह कैफियत पैदा होती है। वो ईमान जो है कि खुदा के कानून मुकाफात अमल की रूह से मेरा ये अमल या जो जो एक्शन हो चुका है, ये जुर्म हो गया है, ये बग़ैर सजा के नहीं रहेगा, ये ईमान है कि जो आके कह रहा है कि मुझे यहीं सजा दे दीजिए। तो कुरान ने ये जो चीज़ें कही हैं इन पर हमारा ईमान है कि वो ऐसा होगा आखिरत में भी जाके, वो इस दुनिया में भी जब ये अल-क़यामत के बाद नया माशरा कायम होगा खुदा के कानून के मुताबिक, उस माशरे में ये चीज़ें पैदा हों। वलाव अल-क़मादीरा, इसके आगे चंद आयतें हैं, दो तीन आयतें हैं, वहाँ फिर तदब्बुर की ज़रूरत है। दो किस्म के मफहूम वहाँ से गौर व फिक्र करने के बाद सामने आते हैं। अल्फाज वही होते हैं, मैंने अर्ज़ किया है ना कि अल्फाज में भी, अरबी ज़ुबान में भी और हर ज़ुबान में ये कायदा है कि बाद अल्फाज के बाद मानी तो लघवी होते हैं। माँ या आप के माने पानी, सीधी बात है, और बाज़ माने इसके मजाजी होते हैं कि इससे मफहूम ये है। कुरान में ये अंदाज़ भी है क्योंकि ये अरबी ज़ुबान की किताब है, अरबी ज़ुबान के अंदर ये बेसिकल चीज़ थी, उनके यहाँ बड़े ही मजाजी माने हुआ करते थे। फिर दूसरे मुकामात को भी साथ लेना होता है, उन सब को मिला के अगर मजाजी मानी जो हैं वो लिए जाएँ
है।